अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सिद्रा शौकत फ्रॉम डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर। हाउ आर यू? आई होप यू एंड योर फैमिली आर क्वाइट हेल्दी एंड सेफ। मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप यू अवे फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। टुडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट 3 ऑफ योर इंग्लिश बुक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर इंग्लिश बुक? Yes, very good. Oxford Reading Circle. We are going to do Unit 3 of Oxford Reading Circle. What is the title of Unit 3? Open your books and look at into it. Tom's Parrot. Very good. We are going to do Tom's Parrot from Oxford Reading Circle. Let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट यूनिट 3 टॉम्स पैरट। यूनिट नंबर 3 टॉम्स पैरट। बिफोर बिगनिंग विद द स्टोरी लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्टोरी। मैं आपको स्टोरी के बारे में कुछ बताती हूँ। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टॉम हु हैज अ पैरट कॉल्ड पॉली। पॉली फ्लू अवे एंड सैट ऑन अ ट्री। Tom called it many times, but it did not come back to him. Tom knew that Polly likes mangoes. Tom took a mango from kitchen. He called Polly once again. Polly saw mango and came back to Tom. It pecked the mango. Tom was happy to see Polly with him, and Polly was happy to eat mango. Understood? समझ आई? क्या हुआ स्टोरी में? स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम है टॉम और उसके पास एक पैरट है जिसका नाम है पॉली। पॉली जाके एक ट्री के ऊपर बैठ जाता है और टॉम क्या करता है, टॉम उसको बार बार आवाज़ देता है पॉली पॉली, लेकिन पॉली उसके पास वापस नहीं आता। फिर टॉम क्या करता है, टॉम किचन में जाता है, किचन से एक मैंगो लेता है और मैंगो लेके फिर वो जाके दोबारा से पॉली को आवाज़ देता है। जब पॉली टॉम के हाथ में मैंगो देखता है तो वो उसके पास वापस आ जाता है। टॉम खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास पॉली वापस आ गया और पॉली खुश हो जाता है क्योंकि उसने मैंगो को पैक कर लिया। ठीक है, समझ आ गया ना? अच्छी स्टोरी है ना, मज़ेदार है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। रीड इट विद योर मॉम अगेन एंड अगेन। रीड इट 3 times। ओके, बिफोर रीडिंग द लेसन व्हाट वी विल डू, वी विल लर्न सम वर्ड्स। दीज आर सम वर्ड्स विच वी हैव टू लर्न, ताकि हमें जब हम ये लेसन पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा आएगा और हमें कोई भी वर्ड मुश्किल नहीं लगेगा। फर्स्ट वर्ड क्या है? रीड विद मी, पैरट। PARROT, पैरट। रिपीट विद मी, PARROT, पैरट। नंबर 2, टेक्स। TAKES, takes. TAKES, takes. Repeat with me, TAKES, takes. Number 3rd word is mango. MANGO, mango. MANGO, mango. Once again, MANGO, mango. Very good. Word number 4, green. GREEN, GREEN, green. Repeat with me once more, GREEN, green. Word number 4, find. FIND, find. FIND, find. Once more, FIND, find. Number 6, pecks. PECKS, pecks. PECKS, pecks. Word number 7, Polly. POLLY, Polly. POLLY, Polly. CALLS, calls. CALLS,
कॉल्स. रिपीट इट विद मी, सी ए डबल एल एस कॉल्स. वर्ड नंबर 9, डस, डी ओ ई एस डस, डी ओ ई एस डस. वर्ड नंबर 10, अगेन, ए जी ए आई एन अगेन, ए जी ए आई एन अगेन. रिपीट इट विद मी, ए जी ए आई एन अगेन. वर्ड नंबर 11, गोस, जी ओ ई एस गोस, जी ओ ई एस गोस, जी ओ ई एस गोस. लेट्स रिपीट द वर्ड फ्रॉम द टॉप. पैरेट, टेक्स, मैंगो, ग्रीन, फाइन, पैक्स, पॉली, कॉल्स, डस, अगेन, गोस. आई होप यू कैन स्पेल द वर्ड्स नाउ, यू कैन रीड दिस वर्ड्स नाउ. रिपीट देम विद योर मदर वंस अगेन. ओके, नाउ लुक एट पेज नंबर 16 ऑफ योर बुक. फर्स्ट आई विल रीड द पेज फॉर यू, देन आई विल हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू विच आई विल आस्क यू एट द एंड. पेज नंबर 16, टॉम्स पैरेट. लेट मी रीड द वर्ड्स. वर्ड्स टू लर्न, पैरेट, ग्रीन, पॉली, कॉल्स, डज, अगेन, गोस, टेक्स, मैंगो, फाइन, पैक्स, टू. यू ऑल नो दीज वर्ड्स, वी हैव लर्न देम. ठीक है, दीज आर द सेम वर्ड्स. नाउ वी आर गोइंग टू रीड द लेसन. द स्टोरी, टॉम्स पैरेट. दिस इज टॉम. टॉम हैज अ पैरेट. The parrot is green. Can you see Tom's parrot? It is sitting in a tree. Tom calls his parrot. Polly, Polly, come here, Polly. The parrot does not come. Tom calls again. Okay, so repeat this lesson, this page with your mother. Okay? Now I have some questions for you from this page. I hope you all know the answers. Question number 1. What is the name of the boy? What is the name of the boy? I know you know it. Tom. Very good. Question number 2. Which pet does Tom has? You know which pet does Tom has? A green parrot. Very good. Question number 3. What is the name of Tom's pet? What is the name of Tom's pet? Yes, you know. What is the name of the pet? Polly. Very good. Question number 4. Where is Polly sitting? Where is Polly sitting? You know, you can see in the picture. Where is the Polly sitting? It is sitting in a tree. Very good. You know the answers. Very good. This means you have read the page very carefully. And now you have learned all the answers. Very good. Move to page 17. First, I will read the page for you. Polly, come here, Polly, says Tom. The parrot does not come. Tom calls again. Polly, come here, he says. The parrot does not come. Tom goes to his mom. Can I have a mango, mom? Says Tom. Yes, Tom, says Tom's mom. Tom goes to find parrot.
टॉम गोज टू फाइंड पॉली. क्या हुआ? नाउ अगेन टॉम कॉल द पॉली, पर पॉली डज नॉट कम बैक टू हिम. ठीक है, व्हाट डज टॉम डू? टॉम गोज टू हिज मम, टेक अ मैंगो फ्रॉम हर, एंड देन अगेन गोज आउट टू फाइंड द पॉली. ओके, नाउ आई हैव अगेन सम क्वेश्चन फॉर यू. Does Polly come to Tom? Does Polly come to Tom? No. Very good. To whom Tom goes? Tom किसके पास जाता है? To whom Tom goes? Tom goes to his mom. Very good. Question number 3. What does Tom take? What does Tom take? Tom takes a mango. Very good. So you can see from the picture, you have read the page, you know the answers. Very good, you have understood this page too. Now let's move to page number 18. So now page number 18, I will read this page for you. Polly is sitting in the tree. Tom calls the parrot again. Polly, Polly, come here. Polly, Polly, come here, says Tom. The parrot sees the mango. The parrot comes to Tom. The parrot pecks the mango. Tom is happy. Polly the parrot is happy too. Now, I have read the page 18 for you. I hope you have understood it. You have read it with me. Very good. Now, I have some questions for you from page 18. Did Polly see the mango? Did Polly see the mango? Yes. What does Polly do with the mango? Polly ne mango ke sath kya kiya tha? What does Polly do with the mango? Polly pecks the mango. Very good. You know the answer? I know you all know the answer. Is Tom happy? Yes, Tom is happy. Is Polly happy too? Yes, Polly is happy too. Very good. I know you know all the answers because you have read the lesson very carefully. And now you can answer any question. And now you can do anything, any exercise from the story. Tom's parrot. Very good. Now I have a home task for you. Now I have a task for you to do. What is this task? You have to underline the nouns in the lesson. Nouns. You all know what a noun is? Noun is the naming word. Very good. I know you know. What is a noun? Noun is the naming word. किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं? Noun. ठीक है? Now what is your task? Your task is to do underline the nouns in the lesson in unit number 3. Underline nouns in unit number 3 with the help of your mother. ठीक है, आपने unit 3 में जितने भी nouns हैं उन सबको अपनी मामा की help से underline करना है. Very good. आपको पता है ना, आपको आता है. I know you all know this. Okay. Now, it was an interesting story and I hope you liked it. I am also sure that you have understood it well. Stay at your home safe and blessed. Allah Hafiz.